नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें फटाफट। देश में बढ़ रही है संघ शाखाओं की संख्या, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही है संघ की लोकप्रियता। श्री अयोध्या धाम में यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण कार्य शुरू, एक साथ 25,000 भक्त रख सकेंगे सामान, विश्राम स्थल की भी होगी व्यवस्था। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट भारत गौरव यात्रा को लेकर रेलवे ने शुरू की तैयारी, ट्रेन में बैठकर अब तीर्थयात्री कर सकेंगे भजन कीर्तन, सात्विक भोजन का भी ले सकेंगे आनंद। अब आंखों से जुड़े जन्मजात और असाध्य रोगों का होगा उपचार, आईआईटी कानपुर ने दिया जीन थेरेपी टेक्नोलॉजी का रिलायंस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड को लाइसेंस। उत्तराखंड पुलिस ने की ऑपरेशन मुक्ति से सामाजिक क्रांति की शुरुआत, मासूमों को भिक्षा नहीं शिक्षा की आवश्यकता, भीख मांग रहे बच्चों का स्कूल में करा रहे हैं एडमिशन। यूपी में बेसहारा गाय बनेगी सरोगेट मदर, उत्तम नस्लों की गायों से तैयार भ्रूणों को बेसहारा गायों में किया जाएगा प्रत्यारोपण। गाजियाबाद के मुस्लिम निकाह समारोह में गौ मांस परोसने की थी तैयारी, मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, लोगों का आरोप बारातियों के लिए मेरठ से मंगवाया गया था गौ मांस। दिल्ली में हिंदू युवती से दुष्कर्म करने वाले सद्दाम अंसारी को यूपी पुलिस ने किया गिरफ्तार, मानसिक रूप से कमजोर पीड़िता से किया था रेप, भागने की फिराक में था आरोपी। कानपुर मतांतरण मामले में 51 की सूची तैयार, मुंबई से मिले हैं कनेक्शन, फंडिंग किए जाने के प्रमाण तलाश रही है पुलिस। यूपी के बांदा में मुस्लिम युवक वारिस खान ने हिंदू महिला को प्रेम जाल में फंसा कर 4 साल तक किया शोषण, अब बना रहा है मतांतरण और निकाह का दबाव, पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। आज के समाचारों में बस इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।